दोस्तों, मैं ओम शांति सेंटर से निकल गया हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा लगा आज। तो कुछ अच्छा ही नॉलेज की बातें दीदी ने सिखाया, तो चैनल पे बने रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं फिर जा रहा हूँ ओम शांति सेंटर। हर एक बृहस्पतिवार को यहाँ पे भोग लगता है और मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ। तो देखिए मेरी मम्मी यहाँ पे, इधर देखिए, मम्मी के साथ जा रहे हैं हम ओम शांति सेंटर। और काफ़ी वहाँ पे अच्छा लगता है जाके, बहुत ही नॉलेज गेन करते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल नॉलेज, और मन को बहुत शांति मिलती है। देख लीजिए, मेरी मम्मी इस रास्ते से जा रही है और हम भी जा रहे हैं ओम शांति सेंटर और बाबा के घर। तो मम्मी तो मेरी कुछ बोलेगी नहीं, कैमरा में आने के टाइम उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो वो तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं आपसे बात करते हुए चलूँगा और दिखाऊँगा कि मैं किस रास्ते से ओम शांति सेंटर जाता हूँ। तो आप भी किसी दिन छुट्टी निकाल के बृहस्पति को जरूर ओम शांति सेंटर में जाना। बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञान आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा, जिससे आप अपने मन को शांति कर सकते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पे सिखाई जाती है और आपको मन पूरे अच्छे तरीके से आपके कंट्रोल में रहता है। तो एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि मेरी मम्मी इसमें करीब 12-13 साल से इसमें जुड़ी हुई है, और इसमें मेरी मम्मी काफ़ी अच्छा, उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारे चीज़ काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और मेरी मम्मी काफ़ी इसके बारे में अच्छे से जानती है और बहुत ही ध्यान लगाती है शिव बाबा का। तो आप भी इस नॉलेज को सीखे जाने और चैनल पे विजिट करें। उस चैनल का नाम शायद ओम शांति करके कुछ है, वो मुझे उतना ध्यान में नहीं है, द पीस ऑफ माइंड है। तो उस चैनल पे जरूर जाके विजिट करें। रास्ते से जा रही है, रास्ता थोड़ा ख़राब है, मगर इस रास्ते से शॉर्टकट आता है और मेरी मम्मी आगे चल रही है। देखिए मेरी मम्मी को जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा है थोड़ा सा, ये 7:15 से ही स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी भारत माता देख लीजिए आप, और हम लोग के लिए तो भाई देवी ही है, क्योंकि हम लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, इस वजह से हमारी तो देवी ही है भाई। मंदिर दिखा रखा था, वो मेरे घर के बगल में ही पड़ता है। तो ऑटो में हम लोग बैठ चुके हैं और जाएंगे अब बाबा का सेंटर, और हमें तो बहुत ही मज़ा आता है वहाँ पर जाके, मन को बहुत शांति मिलता है। और ये मार्केट होते हुए जा रहे हैं हम लोग। मुंह बनाई हुई है, कल भैया का प्लास्टर जो कटा था उस वजह से उसकी मुंह बनी हुई है, और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर सेंटर जा रही है। देखिए कितना प्यारा सा मेरी मम्मी लग रही है, और उधर एक और है मुंह छुपाते हुए, उसको मैं रिवील नहीं करूंगा, वो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती। इधर देखिए मेरी मम्मी मुँह बनाते हुए, और हाथ बिल्कुल भी नहीं रही है,
तो इसको आपको अपनी माँ कितना प्यारा लगती है कमेंट्स में जरूर बताना। तो हम आ गए हैं पासवान चौक और मास्क पहनना भी जरूरी है। और पासवान चौक पे बस थोड़ी दूर बाद ही ओम शांति सेंटर है और इससे बड़ा सेंटर जो है वो जड़ुआ में है। तो मेरी मम्मी को देखिए धीरे धीरे चलते हुए, देखिए मास्क लगा ली है अब प्यारी सी मम्मी। तो अब थोड़ी दूर बाद ही अपना सेंटर आ जाएगा, बस 15-20 कदम बाद ही अपना सेंटर आ जाएगा। तो इसी गली में अपना ओम शांति सेंटर है और बिल्डिंग भी है। और मेरी बहन मुंह छुपाने के चक्कर में पीछे घूमते हुए और साइड होते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपको दिखाएंगे। वो अपना चेहरा इसमें नहीं लाना चाहती है। तो वो जो बिल्डिंग जिस जो पेंट नहीं हो रखा ऊपर आपको झंडा दिख रही होगी, देखिए झंडा दिख रही, वही ओम शांति सेंटर, हम लोग उसी बिल्डिंग में जाएंगे। तो अभी स्पिरिचुअल का टाइम है अभी ध्यान लगाने का, तो वो तो भी वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो भी दिखा पाया वो मैं आपको जरूर दिखा पाऊँगा। दोस्तों मैं ओम शांति सेंटर से निकल गया हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा लगा आज, तो कुछ अच्छा ही नॉलेज की बातें दीदी ने सिखाया। मैंने आपको दिखाया जो भी दिखा पाया, बाकी सब रिपीटेड मैं नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको और व्यूज़ नहीं दिखा पाया। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।